सर से सबसे पहले तो भ्रम के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी हाउ डिड भ्रम हैपेंड। भ्रम के लिए मुझे कॉल कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे अप्रोच किया था, कुणाल एमशा, और उन्हें मैं काफ़ी देर से जानता हूँ। और जब उन्होंने बोला संगीत सिवन डायरेक्ट कर रहे हैं, तो संगीत जी का काम मुझे, मैंने देखा हुआ है, जानता भी हूँ उन्हें, तो मैंने कहा ठीक है, जॉनर क्या है? तो बोला साइकोलॉजिकल थ्रिलर, मिस्ट्री, पैरानॉर्मल। सो मैंने कहा स्पेस में कम काम किया है, हालांकि मैंने खुद एक फिल्म बनाई थी, माय बर्थडे सॉन्ग, वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, 2018 में रिलीज़ हुई वो। मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है, तो मैंने कहा ठीक है, इसमें एक चांस मिल रहा है काम करने का एज एन एक्टर, सो आई लाइक टू डू इट। सेटिंग अच्छी थी, को एक्टर्स कल्कि एजाज, भूमिका, यंगर एक्टर्स, सो मुझे अच्छा लगा जो पढ़ा मैंने। लाइट हार्टेड सा किरदार है, एक ऐसा इंसान जो आगे बढ़ता है, ज़्यादा पीछे का सोचता नहीं, अतीत का सोचना, भविष्य में रहता है, प्रेजेंट वर्तमान में रहता है और भविष्य का भी ज़्यादा नहीं सोचता है, हेयर एंड नाउ काइंड ऑफ गाय। सो मुझे वो पसंद आया, लेकिन कैसे कुछ बचपन की हरकतें, कुछ कैसे वो कैसे सामने आती हैं, कैसे पास्ट कैचअप करता है। फैमिली रिलेशन भी अच्छा दिखाया हुआ है इन्होंने, इन अ वे वेरी नेचुरल दिखाया गया। नॉनवेज का काफ़ी शौकीन है किरदार, खाने का बीवी खाने नहीं देती, उनकी उसमें खिटपिट होती रहती है, तो एक बहुत ही बिलीवेबल सा कैरेक्टर था, लाइट हार्टेड था। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, एक पार्ट ऑफ बिगर स्टोरी। राइट, ओके। सो ब्रह्म की अगर बात करें, Z5 की अगर बात करें, तो बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में ब्रह्म प्रीवियसली भी आया है, Z5 पहले भी आया है, अभी भी। तो Z5 का एसोसिएशन भी होना एक वजह थी ये सीरीज। देखिए फ़र्क तो पड़ता है किस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है कंटेंट, और अच्छी बात यह है कि जो देश में जो लोग कंटेंट देख रहे हैं, ये ऑडियंस डिफाइंड नहीं है। आप आज किसी से भी बात करें, उसने कुछ Z5 पे देखा है, कुछ किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखा है या तीसरे पे देखा है, वो कंटेंट देख रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपका किरदार आपके पर्सनल नाम से बड़ा है, जो अच्छी बात है। एक सीरीज़ आपने सुना होगा नाम नार्कोस, पाब्लो एस्कोबार कैरेक्टर है, एक्टर का नाम कोई जाने या ना जाने, पता भी नहीं। तो ये एक डिमोक्रेटाइजेशन हुआ है स्टारडम का, कि भाई लेखक को लिखने को मिल रहा है, कोई अभिनय कर रहा है, कोई निर्देशक है, तो वो कंटेंट को सराहा जा रहा है। अब वो डेटा तो प्लेटफॉर्म्स के पास होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत मिल रही है, तो Z5 की रीच बहुत है, और मुझे लगता है ये शो भी उस वहाँ दूर दूर तक देखा जाएगा, पहुँचेगा, जहाँ एक ख़ास तौर पे जैसी मैंने फिल्में, इंडिपेंडेंट फिल्म्स की हैं, वो नहीं पहुँच पाती। कुछ शोज़ किए मैंने जो हो सकता है ऐसे प्लेटफॉर्म में हो, जो यहाँ दूर दूर तक नहीं पहुँचते, नहीं देख पाए लोग, चाहे कॉस्टिंग की वजह से या जो भी हो, रीच की वजह से। उस हिसाब से ये शो मुझे लगता है देखा जाएगा, थ्रिलर है और आपको बांध के रखता है। बट डू यू थिंक कि OTT प्लेटफॉर्म का इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट के साथ आना कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है फिल्मों को पर या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर? मुझे नहीं लगता वैसे कुछ छोटे लेवल पे इफेक्ट कर रहा होगा, लेकिन एक अच्छा इफेक्ट ये भी हो रहा है कि क्योंकि अब अच्छा कंटेंट देखने की के आदी हो गए हैं लोग, थोड़ा हर किस्म का कंटेंट है, तो लेकिन अगर अब आपको अपने टेस्ट का कंटेंट चाहिए, वो अवेलेबल है, तो आप थिएटर तभी जाएंगे एक बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके कि मैं हाँ ये फिल्म देखना चाहता हूँ। थिएटर भी एग्जिस्ट करेगा, थिएटर का भी ख़त्म नहीं होने वाला, और मज़ा वहाँ, मैं भी कहता हूँ अगर भ्रम जैसा शो आप अंधेरे एक बड़े हॉल में देखें, इतना एटमोसफेयर, इतना जैसे शूट किया गया है, जो साउंड वगैरह, इसका मज़ा दुगना नहीं मतलब तिगना हो जाएगा। हाँ, तो अब मोबाइल पे आप देखें, डिस्ट्रैक्टेड हैं आप, ट्रैवल कर रहे हैं, हेडफोन्स भी नहीं है, कहीं ना ब्रेक, तो वो फ़र्क पड़ता है कैसे आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो भ्रम जैसा शो अगर बड़े पर्दे पर भी आए तो मुझे लगता है मज़ा बहुत आएगा। ओके, सो यू हैव ऑलवेज एक्सपेरिमेंटेड विद योर कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर प्ले करने के
क्या अलग रहेगा इस कैरेक्टर में प्रीवियस कैरेक्टर्स जो आपने प्ले किए? अच्छा, जैसे मैंने कहा ये बहुत ही लाइट हार्टेड सा कैरेक्टर है, इसमें ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे ऑनेस्टली. जो लीड कैरेक्टर, जो प्रोटैगनिस्ट एक्चुअली है वो कल्कि का कैरेक्टर है, उनके जो जिन चीज़ों से वो गुजर रही हैं वगैरह, ये सब उस प्लॉट को फीड कर रहे हैं और उनके साथ ये ज़्यादा रिएक्शन में नहीं है. वो कल्कि का कैरेक्टर रिएक्शन में ये कुछ कर चुके हैं जिसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं. सो इनको बहुत ही आई वुड से पार्टिसिपेशन इनकी लिमिटेड है, अहम है लेकिन लिमिटेड है. ओके, सो हाउ वाज इट वर्किंग विद कल्कि एंड एजाज? कल्कि, एजाज, भूमिका, यंगर एक्टर्स, हर कोई इंसान ना, हर कोई जो अभिनेता होता है वो अपनी अपनी एनर्जी लाता है सेट पे. कल्कि को बहुत इंटरनलाइज करना पड़ा इस कैरेक्टर को. वो आंखों से एक्सप्रेस कर रही हैं, अपने साइलेंसेस से एक्सप्रेस कर रही हैं. भूमिका जो किरदार, वो अपनी बहन को समझने के चक्कर में है. वो वैसे एजाज एक एनर्जी लाते हैं अपनी हर सीन में, चाहे 2 बजे का भी हमारा रात का कॉल टाइम हो, हमारा पहला सीन 2 बजे शूट हो रहा हो, वो एक एनर्जी लाते हैं. मेरी कुछ एक एनर्जी है, तो वो उस कैरेक्टर के साथ मिल के एक बहुत ही अच्छा माहौल सा बना था. और संगीत सेवन जो डायरेक्टर हैं उनका भी बहुत एक ईजी गोइंग सा की अप्रोच है, बिल्कुल माइक पे डायरेक्ट नहीं करते. मुझे अच्छा लगता है, आते हैं पास, चाहे इसको 2 पैसा बढ़ा दो या 1 पैसा कम कर दो, और मॉनिटर पे डायरेक्शन नहीं चल रही, आके बात करेंगे, समझाएंगे. सो वो अच्छा लगता है. वेरी नाइस. एंड बहुत सुंदर जगह में थे हम, हिमाचल में, चैल में, शिमला में. चैल मुझे बहुत पसंद आया और बहुत ही एक अच्छा माहौल. और एक्चुअली सीरीज़ का जो एटमोसफेयर है वुड्स में, मिस्टी मौसम था बहुत मॉनसून के टाइम, एंड वो ऐड करता है विजुअल विजुअली. ओके, सो इसके बाद यू नो मेंटल हुड भी है ऑन. जी हाँ, मेंटल हुड की बात हम मेंटली बाद में करेंगे. ओके, सो क्या कहना चाहेंगे लास्टली ऑडियंसेस के लिए? बस अगर आपको थ्रिलर्स, मिस्ट्री, सुपरनैचुरल काल्पनिक है, लेकिन अगर वैसा कंटेंट पसंद है तो आप भ्रम ज़रूर देखिए. आपको सोचने पे मजबूर करेगा, आपको बांध के रखेगा, और उसका एंड अगर आप उससे सहमत हैं तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं सहमत है तब भी आप सोचेंगे कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है या होता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.